नरीबन पॉइंट का इलाका। इस वक्त आप सड़क के इस पार हैं, इससे थोड़ी दूरी पर ही आगे समंदर है, इस बात का पता चल जाता है। लगातार आती हुई ठंडी हवाएं जन्नत का एहसास करवाती हैं। पिज़्ज़ा बे, यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। और एक शानदार जगह है ये। एकदम समंदर के सामने है और ये बहुत ही शानदार जगह है, पूरी की पूरी एकदम शानदार जगह है। अभी तो आपने सिर्फ गेटवे ऑफ इंडिया ही सुना है, नरीमन पॉइंट का जिक्र होता ही नहीं। मुंबई आने वालों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया एक कौतूहल है, एक जिज्ञासा है, उन्हें देखना होता है, पर उन्हें नरीमन पॉइंट की जानकारी क्यों नहीं दी गई? मुंबई आना है तो हमें शाम होते ही नरीमन पॉइंट की ओर रुख करना है। अब हम सड़क पार करके समंदर के पास जाने की तैयारी। इस जगह को मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, पर यहाँ आने के लिए आप चर्च गेट का रुख करें और चर्च गेट से यहाँ आए, वरना कन्फ्यूज़न में लोग आपको इससे पहले का स्टेशन मरीन लाइंस उसकी दीवार की तरफ भी भेज सकते हैं। वहाँ बैठने के लिए ख़ास जगह नहीं है, वहाँ सड़क पार करके बैठने के लिए कुर्सियों का इंतज़ाम ज़रूर है, वहाँ भी आपको अच्छा लगेगा, पर यह जगह ज़्यादा शानदार है। एक लंबी दीवार है, इस रास्ते पर हम आगे जाते हैं तो आखिरी की बिल्डिंग टाटा थिएटर है, और टाटा थिएटर से पहले ओबराय होटल जिसका नया नाम है ट्राइडेंट। ये 2009 में हुए अटैक वाला होटल है।